कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखिए ये सारे के सारे कोरोना ही हैं सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। हम आपसे एक सिंपली कंसर्न का विषय बन जाता है। तो ऐसे ही कोरोना में से लाखों वेरिएंट निकले हैं, उसके कई वेरिएंट निकले हैं। तो जिस वेरिएंट से खतरा नहीं रहता है उस वेरिएंट को हम लोग ध्यान से नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजिंग होते हैं जो हमें खतरा दे देते हैं। जैसे एक था B.1.1.7, ये ब्रिटेन में पाया गया। एक था B.1.351, ये साउथ अफ्रीका में। P.1 ब्राज़ील में। ऐसे इंडिया में B.1.6.1.7.2 ऐसे इंडिया में पाया गया। अब ये जो B.1, P.1 ये सब देख रहे हैं, ये जेनेटिक कोड होता है। इसकी एक अलग ब्रांच ही है, काफ़ी जटिल ये चीज़ होता है जेनेटिक कोड को डिसाइड करना, उस हिसाब से ये नाम दिया जाता है। लेके सामने आती दिख रही है, हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी संख्या बहुत कम देखी गई है, लेकिन देखिए कोरोना शुरुआत में भी तो कम ही देखा गया था। डेल्टा वेरिएंट को भी नवंबर दिसंबर में ही गवर्नमेंट को बोल दिए थे साइंटिस्ट सब कि एक ऐसा वेरिएंट है, लेकिन आके तबाही तो मचाई दिया। थर्ड वेव में ऐसा हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप पुराना ग्राफ को देखेंगे तो जो पिछले साल यानी 2020 में जो कोरोना आया था उसका जो ग्राफ उठा था, फिर अचानक डाउन हुआ, फिर इस तरह से जो अभी का चल रहा है, तो पिछले साल 11 सितंबर 2020 को पीक आया था और उस समय 97,654 यानी लगभग 98,000 मरीज मिले थे। उसके बाद ये पीक डाउन हो गया दिसंबर के महीने में। उसके बाद हमें 3 महीने की टाइम मिली, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने के बाद अगले चौथे महीने से सेकेंड वेव चालू हो गया, यानी अप्रैल से सेकेंड वेव ये चालू हो गया जो अभी हम लोग झेल रहे हैं। सेकेंड वेव का जो पीक है वो 6 मई को देखा गया था। उस समय हमारे यहाँ 4,14,000 केस देखे गए थे सेकेंड वेव जो अभी चल रहा है। ये सेकेंड वेव जो है वो जुलाई में डाउन हो जाएगा, पूरी तरह से ही डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट वेव से अगर हम सीखेंगे तो फर्स्ट वेव भी हमें केवल 3 महीने का मोहलत दिया था, तो हो सके उसी पैटर्न के हिसाब से सेकेंड वेव भी हमें 3 महीने का मोहलत दे, यानी ये जुलाई में डाउन होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना डाउन होगा और अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर से थर्ड वेव भी आना चालू हो जाएगा। और कई देशों में थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में थर्ड वेव नहीं आएगा, लेकिन समझते हैं कि थर्ड वेव का कितना ज़्यादा खतरा रहेगा। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में थर्ड वेव आएगा, बट उस समय घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय तक हॉस्पिटल्स में काफ़ी बेड अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक सीखा है सेकेंड वेव ने, काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की उस तरह से किल्लत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑक्सीजन का चेन अभी से बना के सीख लिया है। दवाओं की जो कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर की ये जो ब्लैकमेल हुआ था, उसको ब्लैक में बेचा गया था रेमडेसिविर को, ये सब चीज़ें थोड़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत हद तक गवर्नमेंट का भी कहना है कि हम लोग नवंबर के महीने तक लगभग 70 करोड़ लोग तक को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और वो हो भी जाएगा नवंबर के महीने तक में वैक्सीनेशन। दूसरा, अगर और भी देखेंगे, अगर 100 साल पहले जाइएगा तो जो स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू में भी 3 वेव आए थे, और हम अप्रैल में भी बताए थे आपको एक वीडियो में कि किसी भी पेंडेमिक या महामारी का जो सेकेंड वेव होता है वही खतरनाक होता है। तो फर्स्ट वेव हम लोग झेल ले गए, मैक्सिमम 97,000 केस गया, सेकेंड वेव से भी हम लोग बहुत जल्दी उभर चुके हैं और बहुत थोड़ा 1 महीने में ये पूरी तरह डाउन हो जाएगा। थर्ड वेव, तो स्पेनिश फ्लू का भी सेकेंड वेव सबसे खतरनाक था, फर्स्ट वेव से खतरनाक था सेकेंड वेव, सबसे कमजोर होता है थर्ड वेव। अब तक के जो इतिहास से हमें जानकारी है, जो सीखे हैं, तो उस हिसाब से भारत में भी थर्ड वेव से काफ़ी हद तक हम लोग को सुरक्षित रह सकते हैं। अब वैक्सीन का कहना है कि भाई बहुत कम वैक्सीन की शॉर्टेज वगैरह भी है, तो देखिए ये बात हकीकत है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन बनाने के लिए 6 कंपनियों ने करार कर लिया था मई के महीने में, तो उनका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा यहाँ जुलाई से। और जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसने भी अपनी अलग से सप्लाई लाइन, कुछ अलग से फैक्ट्रीज भी डाली थी, कई सारे कंपनीज ने फैक्ट्री डाली थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रीज जुलाई तक चालू हो जाएंगे। और जुलाई में अमूमन हम लोग वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा डोजेज, हमको हर तरह की अगर वैक्सीन मिला देंगे, स्पुतनिक हो गया भारत में और कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा। तो अभी 2 हफ्ते तक वैक्सीन की किल्लत देखी जा सकती है, हालांकि कई जगह वैक्सीन की किल्लत है तो कई जगह वैक्सीन अवेलेबल है तो कोई लगा नहीं रहे, लेकिन वैक्सीन की किल्लत जुलाई से दूर हो जाएगी और एक अच्छे खासे अमाउंट को हम लोग थर्ड वेव से पहले ही वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे। और अगर हम देखेंगे तो भारत में अभी 3 ही वैक्सीन लग रही है, और स्पुतनिक तो रसिया की है, इसमें दोनों डोज अलग अलग दवाइयों का है, एक ही का नहीं है, बाकी सब में एक ही है, गैप करके दूसरा लगा देना होता है।
अभी काफी मतलब कंफ्यूजन है लोगों को कि कितने दिन पर दूसरा डोज लगाया जाए। तो कोवैक्सीन है ये तो बहुत कम लोगों को लगा और ये 28 दिन के गैप पे लगा है। स्पुतनिक है 21 दिन के गैप पे लगेगी। लेकिन कोविशील्ड को लेकर अभी भी विवाद है क्योंकि शुरुआत में सरकार ने कहा था 28 दिन, फिर कहा 42 दिन, फिर कहा 56 दिन। लेकिन देखिए कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया। देखिए ये पूरी तरह से मतलब निराधार बातें हैं। कई देशों में यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि 12 सप्ताह का, जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि 8 सप्ताह का, WHO कह रहा है कि 12 से 16 सप्ताह का गैप कीजिए। तो एक एवरेज निकाल के हम आपको बता रहे हैं, सप्ताह में लोगों का दिमाग काम नहीं करता है कि कितना दिन बोलना चाह रहा है। तो अगर आपने कोविड शील्ड लगा रखी है, अमूमन आपको कोविड शील्ड ही लगा होगा, हम भी कोविड शील्ड ही लगाए हैं, हमको भी अब लगभग 35 दिन के आसपास हो गया लगाए हुए। तो कोविड शील्ड का अभी के समय में आप 80 दिन के आसपास में लगवा दीजिए, 80 दिन के एक दो दिन पहले भी हो सकता है, मत के चलिए 80 से 90 दिन के बीच में आप लगा लीजिए। अब बाकी दिमाग मत लगाइए कितना सप्ताह कितना नहीं, जोड़ के 80 से 90 दिन। अगर आप इतना दिन पे लगवाते हैं तो आप लगभग लगभग आपका 90% आपको मतलब सिक्योरिटी मिल जाती है, अप्रॉक्स 90%। और अगर आप 56 या 42 दिन पे लगवा लेते हैं तो वही आपका 65-70% आपकी इम्यूनिटी बनती है वहां पे। तो यही सही है 80 से 90 दिन। मिक्स डोज पर भी अभी रिसर्च चल रहा है कि मतलब पहला डोज कोई और दूसरा डोज कोई और, जैसे पहला फाइजर लग जाए दूसरा मोडर्ना लग जाए। अगर आप भारत में देखेंगे तो इसी तरह कि पहला मान के चलिए भारत बायोटेक का लग जाए कोवैक्सीन, दूसरा लग जाए कोविशील्ड। अब इसमें भी कई तरह के ट्रायल किए जाएंगे, पहले कोवैक्सीन लगा के देखा जाएगा, बाद में कोविशील्ड। अब कुछ मरीज को क्या किया जाएगा, पहले कोविड शील्ड लगाया जाएगा, बाद में कोवैक्सीन लगाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कितनी इम्यूनिटी आ रही है कितना नहीं हो रहा, एक लंबा प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों को गलती से लगा भी दिया गया तो ऐसे घबरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ये बात है कि अभी ये चीज़ें अंडर ट्रायल है, उसका डाटा नहीं है, इसलिए लोगों को ऐसा नहीं लगाना चाहिए था। जब इस पर डाटा आएगा तो ये भी आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगी मिक्स डोज लगाने के लिए। और रही बात इसमें वैक्सीन की, तो जुलाई से इसका भी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगा और हम लोग थर्ड वेव से इजीली निकल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हाँ ये कंसर्न है कि जो डेल्टा प्लस वेरियंट है वो ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बाकियों के प्रति अगर हम लोग अपनी इम्यूनिटी बना लेते हैं वैक्सीनेशन से तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। अगर आप तीसरे चरण से बचना चाहते हैं तो अपने दोनों चरणों को प्लीज घर के अंदर रखें। आई होप आप इस सब वेरिएंट्स वगैरह को समझे।